हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक इनोटेक स्टडी। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ वो बायोलॉजी के सब्जेक्ट है। बायोलॉजी सब्जेक्ट है जिसमें हम जो हमारा टॉपिक है वो बॉटनी में कि प्लांट किंगडम के बारे में बताना है, यानी कि जो किंगडम प्लांट्स हैं उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स फैक्ट बताने वाला हूँ, जो कि क्वेश्चन में भी पूछा सकता है और क्वेश्चन पूछा भी गए हैं। सो मैं इसी टाइप के थोड़े क्वेश्चन भी बोल के बता दूँ किस टाइप के पूछे जाते हैं। बट इसके बारे में फर्स्ट हम जानते हैं कि जो प्लांट किंगडम होता क्या है, क्रिप्टोगेम्स होता क्या है, फेनोगेम्स होता क्या है, थायलोफाइट होता क्या है, ब्रायोफाइट है, सारे हम टर्म जानते हैं कि इनका मीन्स होता क्या है। तो गाइस, हमें आना चाहिए कि वर्ड ऐसे होते हैं कि याद करने का थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बट बार बार रिवाइज करोगे तो ये माइंड में सेटअप हो जाएंगे। ऐसे कि प्लांट किंगडम में हमारा मेन पार्ट होता है, ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे क्रिप्टोगेम्स और फेनोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स ऐसे पौधे होते हैं जिसमें फूल और बीज वगैरह नहीं होते, और फेनोगेम्स में ऐसे पौधे होते हैं जिसमें फूल और बीज होते हैं। तो ये दो ही पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे क्रिप्टोगेम्स का, जैसे कि आपने कभी अलगई देखी हुई, तो अलगई में आपने कभी फ्लावर नहीं देखा हुआ और सीड्स नहीं देखा, उसमें बीज नहीं होते, और फंगी वगैरह ये सारे जो कि अपना क्रिप्टोगेम्स में आते हैं। और फेनोगेम्स में जो नॉर्मली जो जिसमें अपना फ्लावर वगैरह आते हैं उनको फेनोगेम्स बोलते हैं। अब आइए थोड़ा ड्रिल में देखते हैं क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स के भी डिवाइडेड करती है, क्रिप्टोगेम्स के भी तीन पार्ट डिवाइड करती है। एक तो थैलोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा होता है और टेरिडोफाइटा होता है। तो याद रखना क्रिप्टोगेम्स, तो क्रिप्टोगेम्स होता क्या है मैं बता दूँ, ऐसे पौधे जो फूल या बीज रहित होते हैं, यानी कि फूल और बीज जिसमें नहीं होते, उनको हम अपुष्पीय पौधे बोलते हैं। इनको हिंदी में भी हम बोलते हैं अपुष्पीय पौधे। क्या बोलते हैं? अपुष्पीय पौधे। और यानी कि एक बार और बोलते हैं कि फ्लावरलेस पौधे भी बोला जा सकता है किसको? क्रिप्टोगेम्स को। तो क्रिप्टोगेम्स जो हमारा जो क्रिप्टोगेम्स इंक्लूड्स ऑल नॉन फ्लावरिंग प्लांट रहता है, सच एज ऐसे अलगई हुआ, फंगे हुआ, लाइकेंस हुआ, मॉसेस हुआ, फर्न हुआ। ओके, क्रिप्टोगेम्स इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप। इसमें थ्री टाइप में डिवाइड कर दिए, जैसे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब आते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा होता क्या है। थैलोफाइटा में भी जो जो ये हमारा अलगई, फंगी, बैक्टीरिया, लाइकेंस जो सब आते हैं ना, तो थैलोफाइटा में आते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो हमारे ऐसे कि अपुष्पी पौधों का रखा जाता है, अपुष्पी पौधे कौन से होते हैं, तो ऑप्शन में दे दिए क्रिप्टोगेम्स दे दिया, फेनोगेम्स दे दिया, ब्रायोफाइट्स दे दिए। तो आंसर क्या आएगा? अपुष्पी पौधे, तो वो हमारा आएगा क्रिप्टोगेम्स। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेम्स। तो ऐसे ही क्वेश्चन काफ़ी जो पूछे जाते हैं इनमें। तो देन हमारा जो थैलोफाइट हम समझ में आ गया, जिसमें अलगई, फंगी इंक्लूड रहते हैं और बैक्टीरिया भी इंक्लूड रहते हैं। और अलगई में मैं आपको एक एग्जांपल बताया, अलगई में एक पौधा होता है, पौधे का नाम होता है, उसको बोलते हैं स्पायरोगायरा। ये अलगई पौधों का, अलगई एक उसका नाम है, पौधे का नाम है अलगई का स्पायरोगायरा। ओके, और याद रखना इसमें जो अलगई में जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए किसके कारण होता है। तो ना वो हमारा होता है क्लोरोफिल के कारण, किसके? क्लोरोफिल के कारण हमारा रंग होता है इसका, अलगई का। और ब्रायोफाइटा क्या होता है? ब्रायोफाइटा भी इस तरह का पौधा होता है जो कि उसमें भी जो ये कहाँ पाया जाता है मैं बताता हूँ। ये आपको कभी देखा होगा आपने, कभी जो दीवार पे यानी कि वॉल पे आपने देखा होगा कभी, ऐसी कि कोई पुरानी वॉल है जहाँ सिर्फ ईट, उसमें प्लास्टर नहीं लगा हुआ है और उसमें पानी पानी नमी नमी हो रहा हो, उसके बाहर क्या थोड़ा थोड़ा सा पौधा निकल जाता है यार, इतना थोड़ा थोड़ा चिपका हुआ पौधा रहता है, उसको हम ब्रायोफाइटा बोलते हैं। यानी कि उच्च श्रेणी का अपुष्पीय पौधा, यानी कि अपुष्पीय पौधा क्या होता है? क्रिप्टोगेम्स पौधा जो नर्म दीवारों पर तथा गीली जमीन इत्यादि पर उगते हैं, इनको ब्रायोफाइटा बोला जाता है। ब्रायोफाइटा डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम मॉसेस, मॉसेस से लिया गया है, विच ग्रो ऑन द रॉक्स, वॉल्स, ट्री ट्रंक्स इन मॉइस्ट, यानी जो मॉइस्ट जगह रहती है और सैडी प्लेसेस रहते हैं वहाँ ये ब्रायोफाइटा पाया जाता है। अब आते हैं टेरिडोफाइटा क्या, तो टेरिडोफाइटा ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम फोन, ये फोन से लिया गया है टेरिडोफाइटा।
और टेरोफाइटा ये जो छायादार जगह रहती हैं जहाँ सूरज की रोशनी नहीं जाती, वहाँ ही ज़्यादातर ये पौधे रहते हैं, जिनमें क्या कहते हैं, तना और पत्ती वगैरह तो रहती हैं, विकसित रहती हैं, लेकिन उसमें जो फूल है ना, तो फूल उसमें ग्रो नहीं करते। तो वही जिनके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो क्रिप्टो गेम्स के थ्री थ्री पार्ट हैं, जो थ्री डिवाइडेड हमने बता चुका हूँ क्रिप्टो गेम्स के, याद रखना क्रिप्टो गेम्स क्या होता है ये हमेशा अच्छी तरह से पता होना चाहिए। क्रिप्टो गेम्स क्या होता है? क्रिप्टो गेम्स वो होता है जिसमें फूल और बीज यानी सीड्स नहीं उगते, उनको क्रिप्टो गेम्स बोलते हैं। और क्रिप्टो गेम्स में तीन पार्ट में डिवाइडेड कर दिया है, तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अभी क्वेश्चन पूछ लिया है कि जो अलगे किस श्रेणी में आता है, तो ऑप्शन दे दिया थैलोफाइटा, ऑप्शन दे दिया ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, तो आपका जो आंसर आएगा वो थैलोफाइटा आएगा। ओके, तो इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं, अब जी मतलब ये कि जो प्लांट किंगडम है वो टू टाइप में डिवाइड कर दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिप्टो गेम्स, सेकेंड है फेनरो गेम्स। फेनरो गेम्स उसका अपोजिट होता है, यानी फेनरो गेम्स जो वो होता है जिसमें पौधे फूल और सीड्स उगते हैं, उनको हम फेनरो गेम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनरो गेम्स बोलते हैं, यानी फूल फल जो बीज या विकसित होते हैं उनको हम पुष्पीय पौधे बोलते हैं। पुष्पीय भी बोला जाता है इनको, फ्लावर भी बोले जाते हैं। फ्लावर ऐसे कि फर्स्ट को हम अपुष्पीय बोलते हैं, फ्लावरलेस बोलते हैं, यानी क्रिप्टो गेम्स। इसको इसको बोलते हैं पुष्पीय, यानी कि फ्लावरिंग। क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग। और आप और ऑब्लिक में हम कह सकते हैं फेनरो गेम्स। तो ऑप्शन में ज़्यादातर ये फेनरो गेम्स से पूछते हैं क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट नेम होता है। तो फेनरो गेम्स ऑल्सो नोन एज द स्पर्म मैटोफाइटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्म मैटोफाइटा बोलते हैं। एंड फेनरो गेम्स इंक्लूड्स ऑल फ्लावरिंग प्लांट, जितनी भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको सारे इंक्लूड में फेनरो गेम्स बोला जाता है, विच बियर सीड्स। ओके, फेनरो गेम्स आर फर्दर सब डिवाइडेड टू टू पार्ट। ये फेनरो गेम्स इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक तो होता है हमारा जिम्नोस्पर्म और बोलता है एंगियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ऐसे होते हैं जिसमें कह सकते हैं जी, इसमें जो पुष्पी पौधे होते हैं इनके बीज बीज में फल में नहीं ढके रहते, समझ रहा? जो बीज होते हैं फल में नहीं ढके रहते, ओपन रहते हैं, तो उनको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। अब ऐसे भी काफ़ी इसमें इसके कारण जो क्वेश्चन बेसिकली जो पूछा जाता है, ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ। ऐसे जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं बनते, जिन पौधों पर सीड्स बनते हैं बट फूल नहीं बनते, तो वो हमारा जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ये रहेगा। क्या 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 रहेगा इसका? थोड़ा स्पेलिंग आई थिंक सी ये भी है, जिम्नो स्पम बोलते हैं, जिम्नो स्पम, ठीक है? तो ये रहता है जिम्नो स्पम। आर रिप्रेजेंट करते हैं बाय कॉनिफर, विच ग्रो इन कूल क्लाइमेट्स ऑफ हील्स, समटाइम्स यूजिंग मेल्टिंग स्नो एज अ सोर्स ऑफ वाटर। अब कॉनी कॉनी का जो रहता है, यानी जो जिम्नोस्पर्म रहते हैं जो जहाँ उगते हैं वहाँ कूल क्लाइमेट रहता है हील पर, समटाइम्स यूजिंग मेल्टिंग स्नो एज द सोर्स ऑफ द वाटर। और एक आता है, अब आते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होता है? तो ये भी हमें पता होना चाहिए, देखते हैं एंजियोस्पर्म क्या होता है। एंजियोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिसमें बीज फल के अंदर ढके रहते हैं, बीज होते हैं जो सीड्स होते हैं वो फल के अंदर ढके रहते हैं, उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। यानी कि द एंजियोस्पर्म आर सीड्स बियरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म प्लांट्स रिप्रेजेंट बाय ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स आर आइदर मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन्स। दे हैव बॉडी वेल डिफ्रेंशिएटेड इंटू रूट, स्टेम, लीव्स। दे आर टू मेन क्लासेस और एनजियो, यानी कि एनजियोस्पर्म के भी दो क्लासे, दो डिवाइडेड कर दिए गए, बांट दिए गए, जो कि डाइकोटाइलेडन्स होता है और मोनोकोटाइलेडन्स होता है। इनके थोड़े वर्ड्स भी थोड़े अटपटे होते हैं। डाइकोटाइलेडन्स होता है और कोटाइलेडन्स होते हैं। तो हमें इसके बारे में थोड़ा पता, मतलब ये कि जो मैंने आपको बताया है अभी तक, वो मेन क्या होता है अपना, क्रिप्टो गेम्स होता है और फेनरो गेम्स होता है। क्रिप्टो गेम्स के हमारे तीन डिवाइड पार्ट होते हैं और फेनरो गेम्स के हमारे दो पार्ट होते हैं। तो इनको हमें पता होना चाहिए। क्रिप्टो गेम्स में जो हमारा होता है वो एक तो थैलोफाइटा होता है, एक होता है ब्रायोफाइटा होता है, एक होता है टेरिडोफाइट होता है। और जो फेनरो गेम्स में होता है वो क्या होता है? एक तो होता है हमारा एंजियोस्पर्म होता है, एक होता है जिम्नोस्पर्म होता है। तो ये हमारे जो नॉर्मली हमें पता होना चाहिए। ठीक, इतना ही थोड़ा मुझे बताना था इनके बारे में।
थोड़ा आई होप कि आपको थोड़ा सा आ गया हो कि ये चीज़ क्या होती है। चलिए थोड़ा इसकी डायग्राम बता देता हूँ मैं। जो देखिए एंजियोस्पर्म में बोला था कि जो होते हैं फ्रूट या जिसमें एप्पल देख सकते हैं, इसके अंदर यानी कि बीज ढका रहता है, और इसमें जो रहता है जिम्नोस्पर्म, ये क्या है, इसमें फूल नहीं रहता, इसमें बाहर बीज होता है, यानी कि सारे ये बीज हैं ओके, और इसके अंदर बीज रह गया। तो इसमें थोड़ा डिफरेंट रहता है एंजियो स्पर्म सीड्स और जिम्नोस्पर्म सीड्स। हाँ इतना ही थोड़ा सा वो बताना था। अब देखो डायग्राम से आपको क्लियरली कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती है। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।